हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स क्वेश्चन आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम नंबर 1 विद द फंक्शंस गिवन इन द कॉलम नंबर 2। आपको कुछ कॉलम नंबर 1 में स्ट्रक्चर दे रखे हैं, उनके आपको उस कॉलम नंबर 2 में फंक्शंस दे रखे हैं, आपको उनके साथ मैच करना है। तो स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन, जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट हेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय डैश। देखिए, जो ब्लड होता है वो हार्ट से हमारी पूरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। सेकेंड इज, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन डैश सेल्स। जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, किन सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में। थर्ड इज, आर्टरीज एंड वेन्स आर जॉइंट बाय द नेटवर्क ऑफ डैश। जो आर्टरीज और वेन होती है ये जॉइन होती है एक नेटवर्क से, जिसे हम कहते हैं कैपिलरीज। फोर्थ इज, द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड डैश। जो रिदमिक एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। फिफ्थ इज, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बींग इज, जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बींग का, यानी कि जो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, तो वो कौन सा मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, दैट इज यूरिया। सिक्स्थ इज, द स्वेट कंटेन वाटर एंड डैश। जो स्वेट है यानी जो हमारा पसीना है वो क्या कंटेन करते हैं, वाटर एंड सॉल्ट। सेवेंथ इज, द किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड। जो किडनी है वो एलिमिनेट करती है वेस्ट मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं यूरिन। एट्थ इज, वाटर रीचेस ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज द सक्शन पुल कॉज्ड बाय डैश। देखिए, जो वाटर है वो एक रीच करता है हाइट, बहुत ऊंची हाइट तक ट्रीज में, क्योंकि जो सक्शन पुल होता है कॉज्ड बाय किसकी वजह से, ट्रांसपिरेशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसे चूज करना है। सो ए इज, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। देखिए, प्लांट्स में जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू जाइलम, फ्लोएम, स्टोमाटा या रूट हेयर। तो जो प्लांट्स में जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम के थ्रू। जाइलम के थ्रू जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट होगा टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बी इज, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट कैन बी इंक्रीज बाय कीपिंग द प्लांट। देखिए, जो वाटर एब्जॉर्प्शन है थ्रू द रूट, हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम प्लांट को कहाँ रख दें। ऑप्शन ए इज, शेड में रख दें। ऑप्शन टू, डिम लाइट में रख दें। थर्ड इज, अंडर द फैन, फैन के नीचे। और फोर्थ, कवर विथ पॉलीथीन बैग, या फिर हम उसे कवर करके रख दें प्लांट को पॉलीथीन बैग से। तो आंसर क्या है, आंसर इज सी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय कीपिंग द प्लांट अंडर द फैन। फैन के अगर हम अंडर रखेंगे तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज अगर हम उसे फैन के नीचे रखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन द प्लांट और एनिमल, एक्सप्लेन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बताना है कि क्यों जो नेसेसरी है कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो प्लांट्स और एनिमल्स में, ऐसा क्यों ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज ड्यू टू द न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखिए, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देखिए जो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल का वो नेसेसरी क्यों है प्लांट्स या एनिमल्स में, क्यों, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे बॉडी में, तो हमारी बॉडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फिफ्थ इज, वट विल हैपन इफ देर इज नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि क्या होगा अगर हमारी ब्लड में कोई भी प्लेटलेट्स नहीं बचेंगी तो। आंसर इज, द ब्लड प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। देखिए, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड
की क्लॉटिंग में हेल्प करती है, क्लॉटिंग करने में ब्लड के हेल्प करती है। अगर हमें कोई इंजरी कॉज हो जाती है तो हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है और अपने आप क्लॉट हो जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी और हमारा जो ब्लड है वो ऐसे ही फ्लो करता रहेगा और अल्टीमेट जो ह्यूज लॉस होगा ब्लड का वो अल्टीमेटली हमारी कॉज ऑफ डेथ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द स्टोमेटा, राइट टू फंक्शंस, यू हैव टू राइट टू फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है, द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। देखिए जो स्मॉल ओपनिंग्स हैं लोअर सरफेस ऑफ लीव में, इस इन्हीं पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। अब जो ओपनिंग है ये सराउंडेड होती है, जो स्टोमेटा की ओपनिंग्स है ये सराउंडेड होती है गार्ड सेल से। फंक्शन क्या है स्टोमेटा का, तो पहला फंक्शन है इट हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। ये जो स्टोमेटा है वो हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर में, यानी कि जो लॉस होगा एक्सेस वाटर का फ्रॉम द प्लांट। सेकेंड इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा क्रिएट्स अ अपवर्ड पुल, दैट इज सक्शन पुल थ्रू विच द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स। देखिए जो लॉस होगा वाटर का फ्रॉम द स्टोमेटा ये क्रिएट होगा अपवर्ड पुल, जो एक सक्शन पुल क्रिएट करेगा जो हेल्प करेगा कि जो रूट्स है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट इज दे हेल्प इन द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। देखिए जो स्टोमेटा है वो हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाए प्लांट से एटमोसफेयर में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डस ट्रांसपिरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन दी प्लांट्स, एक्सप्लेन। क्या ट्रांसपिरेशन जो है कोई यूजफुल फंक्शन सर्व करता है प्लांट्स में, अगर हाँ तो आपको ये बताना है कि क्या। तो पॉइंट नंबर 1 इज इट मे हेल्प टू एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मटेरियल बाय द क्रिएशन ऑफ सक्शन पुल। देखिए जो ट्रांसपिरेशन है ये क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है बाय द रूट वो इंक्रीज हो और डिसॉल्व मिनरल्स है वो भी इंक्रीज हो और ये क्रिएट करेगा सक्शन पुल। अब इट हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस वाटर। देखिए अब जो सक्शन पुल बना इसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन होगा वो क्या करेगा और क्या होगा कि जो एक्सेस वाटर जो रूट ने लिया था एब्जॉर्ब करके उनको भी रिमूव करेगा थ्रू दी ट्रांसपिरेशन। थर्ड इज इट मे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स एंड लीव्स यूजेस वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस। देखिए अब जो ट्रांसपिरेशन में ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल्स को लीव्स में और लीव्स जो है वाटर को यूज़ करेगी फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोर्थ इज इट प्रोड्यूस अ कॉइलिंग इफेक्ट ऑन द प्लांट। अब जो ट्रांसपिरेशन है वो एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो भी प्रोड्यूस करता है प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। आपको कंपोनेंट्स बताने हैं ब्लड के, या तो आप पूरा नाम लिख सकते हैं कि नेम लिख दें तो भी चलेगा या फिर आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको नेम लिखने हैं तो फर्स्ट है प्लाज्मा, सेकंड है रेड ब्लड सेल, थर्ड है वाइट ब्लड सेल एंड फोर्थ इज प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का जो येलोइश इन कलर होता है और कंटेन करता है 90% ऑफ वाटर और कंटेन करता है फूड एंजाइम वेस्ट एंड प्रोटीन्स। रेड ब्लड सेल जो होती है वो कैसी होती है, डिस्क शेप होती है, रेड कलर की होती है और पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो हेल्प करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं हमारी डिसीज से प्रोटेक्ट करने में, जो भी फॉरेन मटेरियल्स या फिर बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में इन्वेड होने की कोशिश करते हैं ये उनसे फाइट बैक करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फोर्थ इज प्लेटलेट, ये हेल्प करते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अगर हमें चोट लग जाती है तो जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है कुछ समय बाद और हमारा जो ब्लड है उसको रोक देता है क्लॉटिंग की वजह से। किसकी वजह से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्यों जो ब्लड है उसको जरूरत पड़ती है, हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है ब्लड की, सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो आंसर इज ब्लड इज नीडेड बाय द ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज इट कंटेन, जो ब्लड है वो कंटेन करके रखता है डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन उसमें। अब ये सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन और डाइजेस्टेड फूड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में और ये प्रोवाइड करती है और फिर ये क्या होगा कि प्रोवाइड करेगी एसेंशियल एनर्जी टू देम और ये क्या करेगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो वेरियस फंक्शंस परफॉर्म कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट मेक द ब्लड लुक रेड। अब जो हमारा ब्लड होता है उसको क्या चीज रेड बनाती है, तो रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, जो रेड पिगमेंट है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं वो हमारे ब्लड को रेड कलर देती है। ये जो पिगमेंट होता है ये हेल्प करता है हमारे ऑक्सीजन को
ट्रांसपोर्टेशन में, कैरी करने में, ट्रांसपोर्ट करते ऑक्सीजन को टू दी वेरियस पार्ट्स ऑफ दी बॉडी, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो फंक्शन है हार्ट का वो एक्सप्लेन करना है। तो द राइट ऑरिकल इन द वेंट्रिकल रिसीव ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो फोर चैम्बर्ड होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। जो राइट ऑरिकल होता है और राइट वेंट्रिकल होता है वो रिसीव करता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ये सब कलेक्ट होता है और पंप होता है लंग्स में ताकि वहाँ पर प्यूरिफिकेशन होकर हो सके, और लंग्स में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो भी टेक प्लेस करता है। प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो वापस लेफ्ट ऑरिकल में भेज दिया जाता है। लेफ्ट ऑरिकल जो है वो उसको पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जहाँ पर जो ब्लड है वो पंप होगा और प्यूरिफाई होगा, और जितना भी हमारी बॉडी में ये सब जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो जाएगा थ्रू किसके थ्रू? आर्टरीज के थ्रू जाएगा, और वेन्स जो है वो वापस उसको ब्लड को लेके आएंगे और उसे पंप आउट करेंगी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए ऐसा क्यों जरूरी है कि हमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना है या एक्सक्रीट करना है? तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत से ऐसे वेस्ट और टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं जो हम हमारी बॉडी में फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी सेल। बॉडी सेल की फंक्शनिंग के होने के टाइम पे ये जो वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट कंपाउंड्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया, ये बहुत टॉक्सिक होता है। अब ये जी अगर ये टॉक्सिक मटेरियल रिमूव नहीं हुए हमारी बॉडी से तो ये मिक्स हो जाएंगे ब्लड के साथ और ये हमारे सेल्स को डैमेज करेंगे बॉडी की। अब इनको रिमूव नहीं करेंगे तो ये हमारी बॉडी में पॉइजनस मटेरियल जो होंगे वो भी प्रोड्यूस करेंगे और ये हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेवनली वेरियस पार्ट्स। देखिए आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है। दीज टू आर किडनीज, ये दोनों किडनीज है, ये यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पर ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है, ये यूरेथ्रा है और ये यूरिन ओपनिंग है, ये रेनल वेन है और ये रेनल आर्टरीज है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। थैंक यू सो मच।